हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। वैसे बिट मेकिंग के काफ़ी सारे वीडियो आ गए हैं, FL के भी और QVS के भी। आप जिसमें सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक भाई ने कमेंट किया था कि सर वोकल मिक्सिंग का ट्यूटोरियल लेके आइए, वो भी QVS में। तो आज हम QVS पे ही काम करने वाले हैं। और बिट मेकिंग थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मेरा सिस्टम हो गया था फॉर्मेट, ठीक है। और पता है ना कि क्यूबेस पता नहीं क्यों यार वर्किंग स्टॉपेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मुझे फॉर्मेट करके इंस्टॉल कराना था एंटीवायरस, तो इसी वजह से सारे वीडियो लेट हो गए। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए, उससे क्या मतलब है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और मैंने कुछ मतलब सॉन्ग लिए हैं, कुछ क्या एक सॉन्ग लिया है, वो भी मतलब अपने स्टूडियो का ही है। और थोड़ा सा मुझे डिजिटल वाले से परमिशन लेना पड़ता है क्योंकि अगर परमिशन नहीं लेंगे तो मेरे को क्लेम दे देगा, या हो सकता है तो स्ट्राइक भी दे दे। तो पहले सुन लेते हैं कि मैंने क्या लिया है। चलिए, वैसे कैजुअल अभी गाने तो सुनते रहेंगे, ओ सॉरी ट्रैक सुनते रहेंगे। तो पहले हम वोकल सुन लेते हैं। अभी मैंने कुछ लगा के नहीं रखा क्योंकि अगर लगा लेता तो आपसे चोरी होता और मैं चोरी वगैरह करना नहीं जानता। उठावा पोलाली बाली कानावा में सोभे बाबुनिया रे। और भाई ने अच्छा गाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका स्किल चूज कर लेंगे। तो मेरे पास ऑटो ट्यून भी है, नेक्टर भी है, लेकिन इस समय तो ऑटो ट्यून ही यूज करूँगा क्योंकि देखिए आप में से 98% के पास केवल ऑटो ट्यून है, तो मैं अदर VST से अगर करता हूँ तो वो सही नहीं होगा। और जैसा कि रिटर्न स्पीड 0 होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर ऑटो ट्यून 4 पे ही काम करता हूँ क्योंकि यार बहुत ज़्यादा ऑटो ट्यून जब लगता है ना तो मतलब अजीब सा रोबोट जैसा बन जाता है। और इन सबको आप फुल कर सकते हैं, आपका इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। वेरिएशन को आप 20 ही रहने दीजिए, ज़्यादा इसको छेड़छाड़ मत करिए। और जो पिचिंग अमाउंट है इसको रखिए 50%, क्योंकि 50% से थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर नीचे करेंगे तो मतलब एक सटल तरीके से नहीं काम करता है। जैसा कि आपने मेरे FL वाली वीडियो में देखा होगा, तो जो अब जैसे कि एक नोट से दूसरे नोट जाते हैं तो उसी उस कंडीशन में, तो इसको कोशिश करिएगा कि ज़्यादा मत इसका अमाउंट बढ़ाइएगा। और इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले पे भी अप्लाई कर देते हैं क्योंकि दोनों का स्किल तो सेम है ना, तो हमारा ये हो गया है। और ऐसा आप भी कर सकते हैं, Ctrl+C और Ctrl+V करके कोई भी मतलब इफेक्ट वगैरह अप्लाई कर सकते हैं उस पर। और उसके बाद हम इसमें लगा लेंगे एक डिले, पहले डिले लगाएं या क्या लगाएं, तो ऐसा करते हैं इन सबको पहले कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि वोकल का जो लेवल होता है मतलब आप देख रहे होंगे कि कहीं मतलब छोटा है कहीं बड़ा है, या मतलब अगर या आपकी भाषा में बोलूँ तो ये आवाज़ या कहीं कम है और कहीं ज़्यादा है। तो इन सबको लेवल करने के लिए पहले हमें कंप्रेस करना ज़रूरी है। और आपको तो की फ्रेमिंग का वीडियो मैंने बताया था कि आप एक बटन से आप किसी भी मतलब इफ़ेक्ट को चूज कर सकते हैं या मतलब कुछ भी कर सकते हैं की फ्रेमिंग करके। और तो मैं इसमें पहले एक सिंपली कंप्रेसर लगा देता हूँ, और कंप्रेसर उतना ही रखना है कि जितना आपको ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारा थ्रेशोल्ड है ये -20 है, तो मेरे को इतना थ्रेशोल्ड नहीं चाहिए क्योंकि देखिए मिनिमम से मिनिमम मेरे को रखना है ताकि मेरा एक सेटल तरीके से केवल मेरे वोकल जो है मतलब बराबर हो जाए। और मैं ज़्यादा इस पर अप्लाई नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे वोकल ऑलरेडी अच्छे हैं। अगर हो सकता है कि आपका वोकल थोड़ा मतलब ना सही हो तो उसी हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने एक हल्का सा काम किया तो मतलब देखिए मेरे वोकल इक्वल हो गए, मतलब ना कहीं ऊपर है ना कहीं नीचे है। और फिर इसके बाद हम चलते हैं इसमें लगाते हैं थोड़ा सा EQ कर लेते हैं। तो EQ के लिए आप क्यूबेस का भी यूज कर सकते हैं, अदर किसी और उसका मतलब किसी प्लगइन का यूज कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि लगभग EQ जो है ना सब सेम एज काम करते हैं। लेकिन मुझे फैब फिल्टर का यूज करने में इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि जैसे मुझे अनवांटेज फ्रिक्वेंसी होता है जो मतलब जिन फ्रिक्वेंसी का हमें काम नहीं होता है, तो उन फ्रिक्वेंसी को उससे हटाना थोड़ा सा आसान हो जाता है बस, और कुछ एडवांस फीचर इसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे और वोकल का एक प्रीसेट ले लेंगे और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि देखिए वोकल हो सकता है आपका यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है और यहाँ से भी, लगभग लगभग यहीं से होता है क्योंकि उसी हिसाब से एक ये शेप बना के दे देता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे जब इसको यूज करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब लो कट मारने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगा।
उठावा पलाली बाली कानावा में शोभे करेलु सिंहार तू जवानी। लगता है ऑटो ट्यून बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं ना भोजपुरी गाने का तो यही बात है ना, फुल ऑटो ट्यून रखो। उठावा पलाली बाली कानावा में शोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गे। और इसके बाद हम एक छोटा सा इसमें लगा लेंगे डिले, सॉरी डिले तो छोटा या बड़ा ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसे निकल जाता है यार। तो इसमें ले लेते हैं स्टेरियो डिले, और इसको ज़्यादा मतलब कुछ छेड़छाड़ नहीं करते, केवल इसका जो मिक्स लेवल है इसी को हम कर देते हैं 10%, दोनों का 10% कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कितना मतलब इसका अप्लाई हुआ। उठावा पोला ली। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, तो इसको हम रखते हैं 1-2 करके देखते हैं कैसा लगता है। उठावा पोला ली। अभी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, फिर भी इसको और कम करते हैं, 4 करके देखते हैं। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोभे। और 8 कैसा लगेगा। उठावा पोला ली बाली कानावा में सोभे करे। और 16 करके देखते हैं, क्योंकि देखिए अपने वोकल के हिसाब से एडजस्ट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करिएगा कि ऐसा मतलब डिले यूज करिएगा कि वो ज़्यादा अप्लाई ना हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे हल्का सा सेटल चाहिए कि मतलब ज़्यादा लगे भी ना। उठावा पोला ली लेकिन 1/8 ही ठीक है, लगभग आप यूज करिए तो 1/8 ही यूज करिए। उठावा पोला ली बाली कानावा में सो, इतना ही रखिएगा, मतलब आप मतलब डिले कोई भी यूज करो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोशिश करिए कि स्टेरियो ही यूज करिए, क्योंकि देखिए ये क्यूबेस के साथ ही आता है। और फिर इसके बाद हम एक ले लेंगे फ्लेंजर, फ्लेंजर होता है इसमें, किधर गया, एक होता है मॉड्यूलेशन उसी में होता है, सॉरी किधर गया मॉड्यूलेशन, ये रहा, तो फ्लेंजर ले लेंगे, लेकिन फ्लेंजर को केवल 5% से ज़्यादा मत रखिएगा, क्योंकि अगर फ्लेंजर ज़्यादा अप्लाई हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उठावा अने इसको फुल करके देखते हैं, देखिए कैसा लगेगा। उठावा पोला ले बाली कानावा में सोभे करेलु सिंहार तू जवानिया के जो हो गए। लेकिन हम 5% से ज़्यादा नहीं रखेंगे, और फाइनली हमारा इतना हो गया। और कोशिश करिएगा कि वीडियो पूरा देखो यार, क्योंकि यार मैं भी मेहनत करता हूँ, ठीक है। तो और इसमें हम इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा जो मेन फोकस है ना कि सारा काम करना है ग्रुप पे, केवल आप इस पे 4 इफेक्ट से काम कर सकते हैं, बाकी भरने के लिए तो आप पूरा रैक भर दो यार, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ ना कि मतलब कोई भी काम करो शुद्ध करो और स्पष्ट करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत ना हो और अच्छा भी लगे। और एक स्टीरियो ग्रुप ले लेते हैं, और ये पहले वाला इफेक्ट कॉपी कर लेते हैं, सिंपली कंट्रोल सी दबाइएगा और दूसरे वाले में लाके पेस्ट कर दीजिएगा, आराम से आपका अप्लाई हो जाएगा। एक आसान तरीका, ये नहीं कि आप प्रीसेट बना बना के वहाँ यहाँ करते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। और इसी पर इस पर भी देख लेते हैं, हो सकता है इस पर डिले ज़्यादा हो। बाबुनिया रे जान मारे नाके के नथुनिया रे। ओ भाई मस्त गाया है, तो इसकी तारीफ तो करना बनता है। और जब ग्रुप मान लीजिए आप ग्रुप लगाते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आइएगा स्टेरियो में, और यहाँ पे ग्रुप 1 को इलेवल कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्योंकि हमारा जो मेन पूरा प्रोसेस है वो हमारा ग्रुप से ही होकर गुजरना है, ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप पे हमारे सारे काम होने हैं। तो ये हमारा सोलो नहीं था, अब ग्रुप को ओपन कर लेते हैं, और जैसे कि आपका मतलब नॉर्मल इफेक्ट वाला होता है, सारा कुछ यहीं पे दिखाता है, ये मतलब एक कॉर्नर में होता है, आप चाहे तो नॉर्मली यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ग्रुप वाला जो होता है, ग्रुप वाला यहीं ऊपर ही दिखाता है, ई करके बना होता है जो भी होता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आएंगे और एक ले लेंगे, क्या लें यार, कुछ अच्छा चीज़ लेते हैं जो अपने काम आए, और एक JJPO का ले लेते हैं, क्योंकि मैं क्यूबेस पे ज़्यादा काम करता नहीं तो मुझे याद नहीं रहता यार। और इसको एक पहले इसका जो शेप है पहले डिजाइन करेंगे, और उसी हिसाब से क्योंकि इसको कुछ बना रहता है, male 1 रहता है, male 2 रहता है, ठीक है ना, लेकिन अब मुझे अपने हिसाब से यूज करना है, तो मैं इस प्रीसेट से कोई हमें मतलब नहीं है, और इन सबको पहले 0 कर देंगे, फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे इसको।
और इसको ज़ीरो कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा मेन है। अगर ये बंद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका वोकल का आवाज़ ही नहीं आएगा। और हाँ, मास्टर को भी, क्योंकि देखिए मैं JGP वोकल ज़्यादा यूज नहीं करता। एक मेरा भाई बोला था कि मतलब इसे अच्छा क्वालिटी अच्छा होता है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो सही है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके मतलब वोकल में एयर ज़्यादा ना हो, या एयर मतलब कि जो खुल के नहीं बजता है, तो आप ये जो एटीट्यूड वाला है और इस ये जो सॉरी क्या है नाम इसका यार, PRSNC जो भी होता है, तो इन दोनों को आप छेड़ के मतलब इसका जो एयर लेवल होता है उसको बढ़ा सकते हैं। फिलहाल मुझे तो इतना ही ज़रूरत है। उसके बाद एक ले लेंगे मोरशिप P3 और इसको डिफ़ॉल्ट रख लेंगे। चाहे तो आप प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि केवल, या देखते हैं मास्टर स्वीट कैसा है। बाबूनी इसके ऑफ करने के पहले कैसा था? बाबूनी 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 इसे मास्टर स्वीट ही लगाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं नॉलेज है तो प्रीसेट से काम करना पड़ेगा ना। और इसके बाद एक ले लेते हैं, क्या लें यार मैं भी सोचता हूँ यार, एक लेता हूँ सुपर टैब स्टेरियो। जो भी मतलब ग्रुप में, याद रखिएगा, जो ग्रुप में कुछ भी लगाएगा तो स्टेरियो लगाएगा। और जो आपका मोनो वोकल होता है वहाँ पे मोनो लगा सकते हैं, पर ग्रुप में सारे स्टेरियो लगाइएगा। और इसका BPM तय कर लेते हैं, कितना था BPM? 112 है, क्योंकि यहाँ पे BPM ज़रूरी है इसका यार। बाबूनी ये कब, जैसे कि क्या बोलते हैं इसको, BPM जब सेट रहेगा ना तो उसी हिसाब से काम करता है। बाबूनी फिलहाल इतना ही बहुत है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ अच्छी नहीं है। अने छेड़ के भी देख लेते हैं यार कैसा लगेगा। बाबूनी बाबूनी जान मार नक के नथुनी MS को कम करें तो, अच्छा, ये हमारा मतलब उसी से अटैच होता है। एक मतलब जैसे कि 112 BPM था तो उसी हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है। तो आप इसको छेड़छाड़ ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि तो देखिए आप सुन के देखेंगे तो आपको एक मतलब अच्छा सवाइब आएगा। बाबूनी क्योंकि तो ज़्यादा डिले लगा देगा तो यार मज़ा नहीं आता है। मैं भी यही सोचता हूँ कि मतलब जो भी काम हो मतलब तो फ्रेश काम करो, लेकिन ज़्यादा वो नहीं रही। इसको कहाँ से ओपन कर लिया यार, एकदम बेवजह का प्लगइन है। और इसके बाद एक कर्मा एफएक्स का रिवर्ब ले लेंगे। रिवर्ब होगा या डिले होगा, जो भी होगा देखते हैं कि नहीं इसमें। और हाँ, इसको भी यूज कर सकते हैं, ये भी मतलब बहुत सटल काम करता है। बस इसको ज़्यादा मत करिएगा, बहुत ज़्यादा 3 रखिएगा, और बहुत ज़्यादा 2 या 3 रखते हैं इसको कलर को, क्योंकि कलर जो होता है एयर का काम करता है। जैसे सुनिए, बाबूनी बाबूनी जान मार नग के नथुनी बाबूनी